तो आज हम आए हैं बागपत क्षेत्र के एक ऐतिहासिक गांव में। प्राचीन समय में इस जगह को वर्णाव्रत के नाम से जाना जाता था। कौरवों ने अपनी एक चाल खेली थी, पांडवों को जलाकर भस्म कर देने की एक साजिश जो रची थी, षड्यंत्र जो रचा था, वो भी बरनावा के इस लाक्षाग्रह किले में रचा था। महाभारत काल के समय से यहाँ पर जो है पुरातत्व यहाँ पर जो है अवशेष पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाक्षाग्रह के यहाँ पर जो है अवशेष मिलेंगे। उस किले के बारे में आपको दिखाएंगे, जो लाक्षाग्रह का किला है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही किला है जहाँ पर जो है कौरवों ने पांडवों के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा था, उन्हें जो है जलाकर भस्म कर देने वाला एक षड्यंत्र की रचना यहाँ पर की थी। गाँव में और बरनाओं में जो ये ऐतिहासिक जो यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं उसके बारे में है, जो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है एक व्लॉग बनाकर यहाँ पर उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। पांडु वन के नाम से यहाँ पर ये जो है एक इमारत यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ऐतिहासिक जगह है यहाँ की। और अब हम चलेंगे यहाँ से सीधा लाक्षाग्रह पर और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि कौन सी वो जगह थी और कैसी वो अब नज़र आती है, क्योंकि दोस्तों 5000 साल पुरानी बात हो चुकी है। सो दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं बरनावा लाक्षाग्रह के जो यहाँ पर जो मेन गेट है इसका एंट्री का, ये रास्ता जा रहा है सीधा लाक्षाग्रह की ओर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच गए हैं लाखा मंडप पर, और जो इसकी जो मुख्य जो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो कि किले की ओर लेकर जाती हैं, बिल्कुल ठीक इसके सामने हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यही वो किला है जहाँ पर जो है लाक्षाग्रह वाली जो घटना हुई थी यहाँ पर, जो महाभारत काल की समय की जो घटना है
उसको यहीं पर जो है अंजाम दिया गया था, और यही वो जगह है जहाँ पर इस षड्यंत्र को यहाँ पर किया गया था, रचा गया था। और पांडव जो है यहीं से जो है निकलकर सुरंग के माध्यम से यहाँ से निकलकर भाग गए थे। तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं इस किले की तरफ लेकर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों इस सीढ़ियों से यहाँ पर जो है मुख्य द्वार जो है इस किले तक ले जाता है, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर यही जो है वो यहाँ पर लक्ष्य ग्रह की जो कुछ बचे अवशेष जो बचे हैं यहाँ पर वो हम आपको यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये जो किले के कुछ बचे कुछ अवशेष हैं दोस्तों। पूरा किला तो अब जो है नहीं बच पाया है क्योंकि दोस्तों 5000 साल पुरानी बात है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ बचे कुछ जो अवशेष बचे हैं उनको ही हम यहाँ पर जो है हमारा सौभाग्य है कि इनको हम देख पा रहे हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके किले के बारे में कि यहाँ पर जो किस तरह की ईंटों से कुछ यहाँ पर जो है बाद में भी ईंटें लगाई गई हैं और कुछ जो है पुराने समय की भी है। तो इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रोटेक्टेड किया हुआ है यहाँ पर, और पुरातत्व विभाग इसकी जो है संरक्षण करता है इस जगह की। अगर कोई भी इसमें जो है क्षतिग्रस्त करता हुआ पाया गया, इस जगह को नुकसान पहुँचाता हुआ पाया गया तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। अभी मैंने आपको बोर्ड भी दिखाया था उस पर जो है साफ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों पुराने समय में जिस पत्थर से जो है यहाँ पर निर्माण होता था उस पत्थर की आप मजबूती का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 5000 साल बाद भी जो है अब भी ये मौजूद है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों आज के समय में अगर आप अपना मकान बनाते हैं तो 50 साल बाद उस मकान की जर्जर हालत हो जाएगी और संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो आज की जो बिल्डिंग क्वालिटी है बहुत ही लो है इसके मुकाबले दोस्तों, जो पुराने समय में जो यहाँ पर इमारतें बनाई जाती थी। लाक्षाग्रह एक भवन था जिसे दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत उनके ठहरने के लिए बनाया था। इसे लाख से निर्मित किया गया था ताकि पांडव जब इस घर में रहने आए तो चुपके से इसमें आग लगाकर उन्हें मारा जा सके। पर पांडवों को यह बात पता चल गई थी, वे सकुशल इस भवन से बच निकले। लाक्षाग्रह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वर्णाव्रत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षाग्रह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षाग्रह की सुरंग से निकलकर पांडव हिंडन नदी किनारे पहुँचे, जहाँ पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुँच गए।
तो दोस्तों बरना वाला अक्षय ग्रह पर बनाया गया मेरे द्वारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, आप नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। दोस्तों चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसा ही ज़बरदस्त कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा।